हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें सेशन देखना है, सेशन नंबर 35, जिसमें हमें देखना है व्यू टैब कस्टमर सर्विस कॉल लॉग। तो अभी हमें एक्सेल की एक न्यू शीट ओपन करना है। एक्सेल शीट ओपन करने के लिए हमें एक्सेल में जाना है, न्यू शीट हमें ओपन करना है। अभी हम लोगों ने ये सब टैब देखे हैं, अभी आज व्यू टैब देखना है। तो व्यू टैब में हमें पेज ब्रेक, लेआउट, कस्टमर, तो हम लोग पहले एक टेबल नॉर्मल लेते हैं, सीरियल नंबर, उसके बाद नेम और फिर डिपार्टमेंट, ऐसे तीन कॉलम लेते हैं। इसमें 1 और 2 सिलेक्ट किया और ड्रैग किया, इसमें नेम ऐड करते हैं, तो ऐसे नाम ऐड किए। उसके बाद हम लोगों ने डिपार्टमेंट ऐड करने हैं, तो डिपार्टमेंट भी ऐड किए, अलग अलग डिपार्टमेंट हम लोग ऐड कर सकते हैं। एक सिंपल टेबल आपको क्रिएट करना है। तो ऐसा एक टेबल क्रिएट किया मैंने, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद उसे ऑल बॉर्डर्स अप्लाई की। अभी इस टेबल को हमें व्यू टैब में देखो, ये जो है ये टेबल्स है। अगर सपोज हमारा डेटा बहुत बड़ा है, टेबल बड़ा है, तो हमें ये चार व्यू जो है उसमें से देखना है आपको। पेज ब्रेक प्रीव्यू देखो, अगर टेबल आपका इतना है तो इतना ही टेबल तुम लोग सिलेक्ट करिए, उसमें और रोज चाहिए तो तुम लोग ऐड करके तुम लोग ब्रेक हटा सकते हो और फिर प्रिंट आउट निकाल सकते हो। फिर हम लोग नॉर्मल करेंगे व्यू। उसके बाद पेज लेआउट देखो, पेज लेआउट में हमें हेडर ऐड करना है, इधर फुटर ऐड करना है, तो आपको पेज लेआउट व्यू दिखेगा, ये फर्स्ट पेज है हमारा। इसके बाद कस्टम व्यू, फिर से हम लोग नॉर्मल करते हैं। अभी कस्टम व्यू जो है सिलेक्ट करना है आपको, और कस्टम व्यू में जाके इसी टेबल को हमें नाम ऐड करना है, कोई भी नेम ऐड करो, डिपार्टमेंट टेबल ऐड करना है, डिपार्टमेंट टेबल ऐसे और ओके। उसके बाद हम लोग शीट ऐड करेंगे, फिर इधर कस्टम व्यू में जाके शो करेंगे तो वो बराबर फर्स्ट शीट पे जाएगा और टेबल को सिलेक्ट करेगा। तो ऐसे तुम लोग कस्टम व्यू दिखा सकते हो। इसके बाद हमें देखना है ये सब व्यूज़ है। अभी ये देखो ग्रिड लाइन से, ये ग्रिड लाइन अगर रिमूव करना है तो ये टिक करो, अनटिक करो, मतलब ऐड भी कर सकते हो और रिमूव कर सकते हो। अभी ये फॉर्मूला बार ऐड करना है, रिमूव करना है, हेडिंग, ये देखो हेडिंग, कॉलम नेम, रो नंबर, हेडिंग ऐड करना है और रिमूव करना है। इधर से फॉर्मूला बार ऐड करना है, रिमूव करना है, करके देखो आप भी, ग्रिड लाइन ऐड करना है, रिमूव करना है, हेडिंग ऐड करना है, रिमूव करना है, ये सब करके देखो पहले, व्यू करके देखो पहले, पेज ब्रेक प्रीव्यू, पेज लेआउट, उसके बाद ग्रिड लाइन ऐड करो, रिमूव करो, फॉर्मूला बार ऐड करो, रिमूव करो। इसके बाद हमें जूम देखना है, तो जूम ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो अलग अलग जूम साइज है, देखो 200 100। अभी फ़िलहाल तो हमारा पेज है 100 साइज, तुम्हें अगर चाहिए तो 75, देखो 75, उसके बाद तुम्हें 50, उससे कम ज़्यादा चाहिए, उससे कम ज़्यादा चाहिए तो ये कस्टम पे क्लिक करके, अभी मुझे चाहिए 90, तो ये 90 नंबर इसमें नहीं है लेकिन कस्टम में तुम लोग ऐड कर सकते हो, तो ये 90 साइज़ हो गई। अदर तुम्हें अगर परसेंटेज ऐड करना है तो तुम्हें कस्टम पे क्लिक करके तुम लोग अदर जूम लेवल कर सकते हो। उसके बाद 100%। उसके बाद हमें सपोज़ अभी ये जो हेडिंग है, देखो हम लोग स्क्रोल बार करते हैं तो टेबल का हेडिंग जाता है, अगर हमें डिपार्टमेंट नीचे ऐड करना है, एम्प्लॉय ऐड करना है, तो हमें कैसे हेडिंग कैसे समझ में आएगा। इसके लिए ये जो सेकंड रो है, फर्स्ट वाला जो रिकॉर्ड है उस पर क्लिक करो, फ्रीज पेन में जाके फ्रीज पेन, मैंने 1 नंबर ही सिलेक्ट किया, देखो अभी हेडिंग कांस्टेंट है,
अगर हमें हेडिंग को कांस्टेंट रखना है तो उसके नीचे वाला जो फर्स्ट सेल है उसको सिलेक्ट करके फ्रीज कर सकते हैं, और अनफ्रीज करेंगे फिर से वो नॉर्मल हो जाए। मतलब अगर हमें काम है तो तुम लोग फिर से फ्रीज करके रख सकते हो, तो ये तुम लोग काम कर सकते हो फटाफट, उसके बाद फिर से अनफ्रीज करके नॉर्मल कर सकते हैं। वैसे कॉलम भी ये देखो, कॉलम को सिलेक्ट करो और ये फ्रीज फर्स्ट कॉलम, अभी देखो फर्स्ट कॉलम हम लोगों ने फ्रीज किया, हो गए कॉलम कितने आगे गए देखो, और अनफ्रीज करेंगे तो फिर से नॉर्मल। मतलब हम लोग पूरे टेबल का हेडिंग भी फ्रीज कर सकते हैं, कॉलम भी फ्रीज कर सकते हैं और रो भी कर सकते हैं। ओके, फ्रीज ऑप्शन का यूज़ करके हम लोग कॉन्स्टेंट कर सकते हैं हेडिंग, ताकि हमें रिकॉर्ड फीड करना है तो तुम लोग फीड कर सकते हैं। इसके बाद अभी ऑलरेडी एक विंडो है, हमें न्यू विंडो ऐड करना है तो न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे, देखो ये एक विंडो है और दूसरी एक विंडो हो गई। ऐसे तुम लोग दो विंडो में न्यू विंडो करेंगे तो डुप्लीकेट विंडो ओपन हो जाती है। ओके, तो ऐसे डुप्लीकेट विंडो भी ओपन हो जाती है। इसके बाद हमें देखना है व्यू टैब का स्प्लिट, अभी हमें स्प्लिट करना है शीट को, तो ये स्प्लिट कर सकते हैं। ये देखो ये शीट अलग है, नीचे वाली ये देखो इधर से भी फर्स्ट से है ये भी, इसके बाद इधर क्लिक करेंगे तो इधर से भी तुम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट पे क्लिक करेंगे तो फिर से नॉर्मल कर सकते हैं। उसके बाद हमें माइक्रो करना है, देखो माइक्रो करने के लिए हमें टेबल को, मैंने अभी टेबल बनाया है ऑलरेडी, इधर से रिकॉर्ड माइक्रो करना है, माइक्रो वन पे ओके करके फिर हम लोग सिलेक्ट करेंगे और फिर होम में जाके इसे फॉर्मेट कर सकते हैं, बोल्ड टेक्स्ट कलर हाईलाइट कलर, ऐसे किया हम लोगों ने माइक्रो, और माइक्रो को स्टॉप करते हैं, स्टॉप माइक्रो, फिर इधर करके देखते हैं आ रहा है क्या, व्यू माइक्रो रन। तो ऑलरेडी वो हम लोगों ने टेबल ऐड किया था इसके लिए नहीं हुआ है, फिर से मैं बताती हूँ आपको। अगर सपोज आपको माइक्रो करना है, अभी जो भी फॉर्मेट आप माइक्रो में ऐड करोगे वो फॉर्मेट तुम लोग कॉपी कर सकते हैं, जैसे कि अभी माइक्रो टू में कर रही हूँ, सिलेक्शन किया हुआ है, होम में गए हम लोग और हाईलाइट कलर किया रेड। ओके, मैं अभी माइक्रो स्टॉप कर देती हूँ, स्टॉप। अभी मुझे ये रन करना है तो व्यू माइक्रो में जाके माइक्रो टू को सिलेक्ट करके रन, देखो मैंने किधर भी क्लिक नहीं किया, माइक्रो टू को सिलेक्ट किया और रन किया, तो ऐसे माइक्रो रन हो जाता है। क्या किया फिर से बताती हूँ, मैं अभी एक सेल सिलेक्ट कर देती हूँ, उस सेल को तुम्हें व्यू माइक्रो में जाके रिकॉर्ड करना है, इसके लिए नंबर थ्री आया, फिर उसका कलर मैं चेंज कर देती हूँ, ग्रीन कलर कर देती हूँ, फिर माइक्रो को स्टॉप करना है, स्टॉप किया। अभी हमें माइक्रो रन करना है तो व्यू माइक्रो में जाके थर्ड वाला माइक्रो रन, ये देखो हम लोगों ने थर्ड वाला माइक्रो रन किया है, इसके लिए थर्ड वाला माइक्रो सिलेक्ट किया, रन किया। तो ऐसे तुम लोग माइक्रो रन भी कर सकते हो, रिकॉर्ड भी कर सकते हो और रन भी कर सकते हो, आए समझ में। इसके बाद हमें करना है कस्टमर कॉल लॉक, देखो कस्टमर कॉल लॉक मतलब क्या, अगर सपोज किधर से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक दुकान से कोई चीज़ परचेस की है, उसका सर्विसिंग वगैरह करना है या उसको कुछ काम है, तो तुम्हें कौन से डेट को वो लिया था, कौन से तारीख को लिया था, किधर से एड्रेस किधर है आपका, फिर कस्टमर रिक्वेस्ट आपको मतलब वो फॉलोअप करते हैं। अगर जब हम लोग परचेस करते तो आपको वन ईयर का सर्विसिंग फ्री रहता है, तीन टाइम दो टाइम तो वैसे वो फॉलोअप करेंगे। अगर फर्स्ट तुम्हारा सर्विसिंग है तो कौन सी डेट को आना है, क्या किया है कि नहीं किया है, तो वो फॉलोअप लिस्ट जो है कस्टमर सर्विस कॉल लॉक की, वो हमें क्रिएट करना है। फर्स्ट हमें डालना है कॉलर नेम, जिन्होंने कॉल किया है कॉलर नेम, फिर इधर डेट, फिर इधर टाइम, डेट एंड टाइम, स्टार्ट डेट एंड स्टार्ट टाइम, स्टार्ट डेट एंड स्टार्ट टाइम। थोड़ा साइज छोटा कर देती हूँ ताकि तुम्हें समझ में आएगा। नेक्स्ट हमें करना है
डेट, कॉलर लोकेशन, प्रोडक्ट एंड सर्विस, डेट, उसके बाद कॉलर लोकेशन, मतलब जो कॉल करते हैं उनका रिकॉर्ड तुम्हें अपडेट करना, ये कॉलर लिस्ट में हमें करना है। उसके बाद प्रोडक्ट एंड सर्विस, प्रोडक्ट दिया कि सर्विस दिया, वो सब हमें अपडेट करना पड़ता है। मतलब ये सब काम उस शॉप में अपडेटेड रहता है जिसमें तुम लोग अगर कोई चीज़ परचेस करते हो या सेल करते हो। रिक्वेस्ट एंड अप्रूवल है, रिक्वेस्ट मैं शॉर्टकट में लिख देती हूँ और अप्रूवल ऐसे। नेक्स्ट आपको ऐड करना है स्टार्ट रिस्पॉन्स प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। स्टार्ट रिस्पॉन्स, अगर आपने कॉल किया है तो उसका रिस्पॉन्स क्या मिला, प्रॉब्लम, फिर आपकी जो कंप्लेंट है उसका प्रॉब्लम क्या, सॉल्यूशन क्या, ये सब अपडेट करना पड़ता है उनको। उसके बाद स्टेटस ऑफ क्यूरी, एडिशनल नोट्स, स्टेटस ऑफ क्यूरी। उसके बाद हमें ऐड करना है एडिशनल नोट्स, एडिशनल नोट्स मतलब उसके बारे में आप लोगों ने क्या किया वो अपडेट करना है। तो ये सब हेडिंग है, उसको सिलेक्ट करके मैं फॉर्मेट में ऑटोफिट कॉलम में, तो ये बराबर हो जाती है। फिर इसे ऊपर मर्ज एंड सेंटर करना है। कॉलर रजिस्टर क्या है, स्टेटस कस्टमर सर्विस कॉलर, कस्टमर सर्विस कॉल लॉ, ये सब इसमें ऐड करना है। अभी कस्टमर नेम, कॉलर नेम जो भी है मैं ऐसे ही ऐड कर देती हूँ। स्टार्ट डेट, सपोज 1/4/23 को उन्होंने स्टार्ट किया, टाइमिंग 12 बजे। उसके बाद डेट, कौन से तारीख को वो लोग आए, तो डाल देते हैं हम लोग 5/4/23। कॉलर लोकेशन पनवेल, मतलब अपने हिसाब से भी थोड़ा ऐड करना सीखो तुम लोग, ताकि तुम्हें भी ये काम क्या है ये पता होना चाहिए। पनवेल प्री प्रोडक्शन क्या, सर्विसिंग। अभी तुम्हारे पास क्या है, एसी सर्विसिंग, एसी हम लोगों ने परचेस किया था, एयर कंडीशनर परचेस। और फिर रिक्वेस्ट क्या, सर्विसिंग करना था, सर्विसिंग। स्टार्ट रिस्पॉन्स, कब किया था रिस्पॉन्स आपको, वो डेट ऐड करो, या फिर स्टेटस कुछ अपडेट करो। हाँ, कस्टमर सर्विस फ्री, मतलब उन्होंने बताया कि वो सर्विस फ्री है, सर्विस फ्री उसका प्रॉब्लम। सर्विसिंग कंप्लीट, ओके स्टेटस। अभी ये सर्विसिंग कंप्लीट हमारा स्टेटस होगा क्योंकि हमारी सर्विसिंग उन्होंने की है। और काम क्या था हमारा, सर्विसिंग करना था, इसके लिए सर्विसिंग था, सर्विसिंग कंप्लीट। एडिशनल नोट्स क्या है, नाइस सर्विस। तो ऐसे तुम लोग अपनी स्टेट, मतलब ये स्टेटस में अपडेट करना चाहिए। मतलब उन्होंने, हम लोगों ने कॉल किया 1/12 बजे, फिर वो लोग सर्विसिंग के लिए 5 को आए, हमारा लोकेशन पनवेल था, एयर कंडीशनर परचेस किया था हम लोगों ने, काम क्या था सर्विसिंग, सर्विसिंग फ्री था, फिर सर्विसिंग किया, फिर उन्होंने सर्विसिंग कंप्लीट किया, और ये ऊपर का फीडबैक है, जैसे कि फीडबैक। तो ऐसे तुम लोग सर्विसिंग फीडबैक जो फॉर्म जैसे रहता है,
फॉर्म भी नहीं, एक्सेल में ही वो सब रहता है, फिर वो तुम लोग अपडेट कर सकते हो, ताकि कस्टमर अगर कॉल करता है तो कस्टमर की सर्विस जो है क्या काम है वो हमें अपडेट करना पड़ता है, ताकि अगर कस्टमर हमें फिर से कॉल करे तो उनका प्रॉब्लम क्या है वो समझ में आना चाहिए और वो सॉल्यूशन क्या है वो भी समझ में आना चाहिए। ओके, ये किया था कस्टम सर्विस कॉल। तो ये था 35 में ये टेबल, तुम लोग दो रिकॉर्ड ऐड करोगे तो भी चलेगा, लेकिन अपने दिमाग से करो ताकि तुम लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली टेबल में क्या करना है। ओके, नेक्स्ट हमें प्रोसेस फोलियो देखना है, शो पाथ रिकॉर्ड द माइक्रोज, पाथ देखना है माइक्रोज का। तो माइक्रोज का पाथ देखने के लिए हम लोग फिर से मैं बताती हूँ, व्यू टैब में माइक्रोज रिकॉर्ड माइक्रोज, उसमें मैं माइक्रोज को सिलेक्ट किया, फिर हम लोगों ने कोई एक कलर सिलेक्ट करके फिर माइक्रो को स्टॉप करना है आपको। ओके, उसके बाद माइक्रो रन करना है तो व्यू माइक्रो 4 पे क्लिक करके रन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, रिमूव द ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन हमें रिमूव करना है तो ये ग्रिड लाइन रिमूव की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइड फार्मूला एंड हाइड हेडिंग, अभी हाइड हेडिंग भी करना है और फार्मूला भी हेडिंग करना है, हाइड करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डुप्लीकेट एक्सेल शीट अनदर विंडो यूजिंग विंडो ग्रुप, अभी हमें इसकी डुप्लीकेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, न्यू विंडो, तो ये देखो डुप्लीकेट विंडो हो गई क्रिएट। नेक्स्ट करते हैं, चेंज द वर्कबुक व्यू पेज लेआउट, पेज लेआउट व्यू में ओपन करना है तो व्यू ऑप्शन में पेज लेआउट। ओके, आए समझ में, फर्स्ट तो हमें रिकॉर्ड माइक्रो करना था, कैसे करना था मैंने सिंपल आपको बताया टिप्स, कि आपको कोई भी सेल सिलेक्ट करना है, माइक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए उसे सेव करना है, फिर कलर चेंज करेंगे हम लोग, कोई भी कलर चेंज करो, अभी हमें माइक्रो को स्टॉप करना है तो ये माइक्रो स्टॉप हो गया, फिर अभी अपडेट करना है तो ये व्यू माइक्रो माइक्रो फाइ ये रन हो गया। ओके, उसके बाद पेज लेआउट में दिखाना था, फॉर्मूला बार हाइड करना रिमूव करना, ये देखो हेडिंग हाइड करना रिमूव करना, ग्रिड लाइन रिमूव करना, उसके बाद न्यू विंडो में जाके डुप्लीकेट विंडो क्रिएट करना। ओके, आए समझ में, 31st सेशन में हम लोगों ने देखा है व्यू टैब, उसके अलग अलग व्यूज, रूलर ग्रिड लाइन हाइड कैसे करना है, ऐड कैसे करना है, फॉर्मूला बार हेडिंग हाइड कैसे करना है, ऐड कैसे करना है, जूम, उसके बाद अरेंज, उसके बाद फ्री स्पेस ऑप्शन है जिसका यूज़ करके तुम लोग फ्री स्पेस कर सकते हो, हेडिंग कांस्टेंट कर सकते हो और माइक्रो रन कर सकते हो। ओके,